गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज है मेहंदी का रस्म और आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि फाइनली आज से सारे फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं और हम लोगों ने, मेरी फ्रेंड ने बुकिंग ली है पार्लर में ही मेहंदी के लिए, तो हम उसके साथ जाएंगे और हम लोग को जाना है 10:30 बजे और अभी बज रहा है 10:15 बाकी है। मैं गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में नहाने के लिए। हम लोग घर से निकल चुके हैं पार्लर जाने के लिए। ये आज इनकी मेहंदी है, मेहंदी सेरेमनी है, तो ये मेहंदी लगवाने चल रही है, मतलब इसके साथ मैं चल रही हूँ यार। और इतनी ज़्यादा धूप है और हमारे घर के पास तो ई रिक्शा भी नहीं रुकता है, तो उसकी वजह से हम लोग थोड़े ज़्यादा काले हो जाते हैं। धूप जितनी तेज है हवा उतनी ही कम है। अपने पार्लर का बहुत गंदा दुल्हन का फीडबैक है, पार्लर जो हम लोगों ने बुक किया है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है क्योंकि वहाँ का जो सर्विस है ना बहुत ज़्यादा गंदा है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। कल इसने वैक्स कराया, कभी कोई हाथ पे बाल छूटा है, पैर पे बाल छूटा है, यहाँ पे बाल छूटा है, मतलब बहुत ही गंदा सर्विस है वहाँ का। और अभी वापस फिर जा रहे हैं वहीं, देखते आगे का क्या करना है। अगर आज की सर्विस अच्छी हुई, क्योंकि उसको तो फिर से हम लोग का टाइम वेस्ट होगा जो कल हुआ था, और अगर आज फिर वैसा ही कुछ होता है तो प्लान ये है कि हम लोग पार्लर की जो शादी के लिए है जो ब्राइड को तैयार करेंगे वो हम लोग कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। शादी एक ही बार होनी है, बेचारी उस दिन मुंह बना के बैठी रहेगी। काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगा, मतलब गिरना नहीं, वो थोड़ा सा लग रहा है ना ई रिक्शा से आने पर, थोड़ा रुक के चल। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, जा रहे हैं पार्लर में। बैठे बैठे क्या बताए क्या क्या दर्द हो रहा है। चलिए मिली, यहाँ पर मेरी फ्रेंड को मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया है और जैसे ही थोड़ा लग जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। आशी और मैं वेट कर रहे हैं, ये सामने ही बैठी हुई है, बोर हो रहा है यार, तो हंसती भी नहीं है ना, दिक्कत यही है। और बात भी इतना तोल मोल के करती है, हम दोनों कितना बात करेंगे फिर भी अब बात करने लगे हम लोग, है ना। उनको तो नींद आ रही है अब। हाँ सच में, अभी दोपहर के कितने बज रहा है, 1:10 हो रहा है और अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। अभी एक बार मैं दिखाती हूँ मेहंदी, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। तो ये बैठी है दुल्हन और ये दूल्हा है। थोड़ा थोड़ा कृष्ण जिसे मैच कर रहा है। मेहंदी दिखा तू गणेश जी, क्लियर नहीं है ना। हाँ भाई समझ में आ रहा है, उनकी ना भी ज़्यादा समझ में आ रही है। ओए मंगवाओ पिज्ज़ा। नहीं, ये देखो कितनी दुष्ट बदतमीज लड़की है, हम लोगों को खाली पेट रखी हुई है, एक बार भी नहीं पूछ रही कुछ खाना है पीना है नहीं पीना है। हम नहीं खाए तो ये ठीक है, हाँ ये बेइज्जती ही है, मतलब हम नहीं खाएंगे तुम भी ना खाओ। फंस गए क्या कर सकते हैं, है अपने पास ऑप्शन नहीं है। और सो हमारी फ्रेंड तो हम लोग को कुछ खिलाने वाली है नहीं, सीधी सी बात आपके सामने ही उसने बोला, तो हम लोगों को पेट में होने लगी कि दर्द, इसलिए हम लोग आ चुके हैं जस्ट पार्लर के सामने एक कैफ़े है जहाँ पे पिज़्ज़ा प्रोवाइड होता है, बर्गर प्रोवाइड होता है, सैंडविच भी है, तो हम लोग सैंडविच खाएँगे क्योंकि थोड़ा हल्का होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना इसलिए बहुत भारी खाने का भी मन नहीं। इसके बगल में छोले भटूरे भी मिल रहे हैं लेकिन इच्छा एकदम ना हो रही है। तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर बना हुआ है, देख के अच्छा लगा। खाली भी एकदम एकदम खाली, बस हम ही दो लोग हैं और हम ही दोनों के लिए स्पेशली AC भी ऑन हुआ है, लेकिन वो पता नहीं क्यों हवा ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आ गई है सैंडविच और ये रेडी है खाने के लिए, इसको बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे भी लगी है, तो हम लोग खा के अपने जो पेट का क्या इसको खाते और पेट का भूख मिटाते हैं। तो तुम्हें कैसा लगा सैंडविच? बहुत बढ़िया एकदम, मतलब
लाइट था, टेस्ट बहुत सॉफ्ट था, मज़ा आ गया खाकर। अभी जल्दी में ही 11 मार्च को फिर ओपनिंग हुई है इसकी और काफ़ी अच्छा है, चलेगा सब नए नए बिजनेस में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन चलता है बहुत अच्छे से क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमें लगा अच्छा। सो हम आ चुके हैं वापस और इसकी मेहंदी लग गई है, बहुत प्यारी मेहंदी लगी है। चल ऊपर कर, अच्छा अच्छा बैक में ठीक, बहुत प्यारी लग रही है। बाल इसके पैरों पे अभी भी हैं, वैक्स में थोड़ी सी चूक हो गई है कि नहीं, कभी हाथ में तो कभी गले के पीछे तो कभी पैर में बाल छूट गए हैं, हाथ में भी छूटे हैं, हाँ कहीं कहीं। लड़की बहुत सही मिल गई है, मतलब तुम नहीं, अभी अभी जो जो झूठ बोला एक दूसरे से वो हम लोग बता देते हैं। मैंने तुमसे बोला तुमको खिलाने को, तुमने हमें खिलाया नहीं। हाँ हाँ तो बताया तो थे ये बात, ये इसको मैंने बताया कि जो ट्रैफिक में मैंने बोला रिकाबगंज पहुँचे, मैं फतेहगंज ही पहुँची थी। अरे यार गिर रहा है तो उठा लो, इधर दिखाओ, मैंने दिखाओ। इसमें अखिलेश कितना शांत है, उस वाले में अपने आप को दिखाओ, शांत तो उससे ज्यादा हो लेकिन मुस्कुरा खतरनाक रही। यहाँ पे मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट, पैरों की जूता खरीद, इसका ये है बहुत ज़्यादा उदास क्योंकि जैसा एक्सपेक्ट किया था जो चीज़ें, मेहंदी अच्छी लगी है, ऐसा नहीं कि मेहंदी अच्छी नहीं लगी है, बट ये हाथ का जो एल्बो होता है, एल्बो के ऊपर मेहंदी लगनी थी, हम लोगों ने सोचा था कि ये एल्बो के ऊपर मेहंदी लगेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले बोले कि हाँ मैं ये आपकी मेहंदी में मोर बनाऊंगा, और क्या क्या था यार जो स्कीप है उसमें, सहनाई था और क्या था, हाथी सहनाई मोर था, वो चीज़ें नहीं बनी है इसमें। और उसके बाद तो ये पैर के भी मेहंदी से खुश नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ब्राइडल हैप्पी हो, और जो कि मेरी फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। ज़बरदस्त इसको लेके लेंगे तो मेरे पर क्रोधित हो जाएगी, कोई नहीं क्या कर सकते हैं, ये ऐसी चीज़ें एक बार लग गई तो मिटती नहीं है। अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, हम लोग आ चुके हैं कार में, और नाका से हम लोगों को घर से कोई आ गया था लेने, भाई इसका, तो अभी ये चली जाएगी घर, मैं अपने घर चली जाऊँगी, फिर देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली अब मैं घर आ चुकी हूँ, सालनी गई अपने घर, और अभी मैं अभी कुछ देर बाद मेहंदी लगवाऊँगी, पेट में दर्द हो रहा है भूख की वजह से, तो अब मैं कुछ खाऊँगी हरी भरकम, और पानी पीने तो आराम मिलेगा। मेरा कजरी बिलैया सो के उठिए, अभी सो के उठ लो, इसका ठीक है। हे गाइस, तो लगता है मुझे काफ़ी समय बाद मिल रही हूँ, और इतने समय में कर क्या रही थी वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैं भी लगा रही थी मेहंदी, कैसी लगी है,
आफ्टरऑल मेरी बेस्टी का, मेरी बेस्ट फ्रेंड का है शादी है, जो कि हमारे साथ 8th से पढ़ी हुई है. सो उसकी शादी में मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना अच्छा दिखने के लिए. तो मैंने मेहंदी लगाई, जो कि मेहंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लगाना, और ये तो बिना सीजन के भी मैं लगाना बहुत पसंद करती हूँ. और अगर ऐसा कुछ घर में शादी है तब तो लगाना बनता है. सो कैसी लग रही है मेरी मेहंदी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा. घर आओ, मम्मी के हाथ के बने खाना मिले और मम्मी खुद खिलाए, उसका स्वाद अलग ही लेवल का होता है. मेहंदी लगी है ना, मम्मी खाना खिला दे. Thank you.